ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे के लिए कांगड़ा पहुंचे। लोकसभा चुनावों के उपरांत पहली बार कांगड़ा पहुंचने पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गग्गल हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री पद की चाह पाले भाजपा विधायकों एवं धर्मशाला विधानसभा में उपचुनाव के टिकट के तलबगारों ने भी जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कांगड़ा पहुंचे। लोकसभा चुनावों के उपरांत पहली बार कांगड़ा पहुंचने पर भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गग्गल हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री पद की चाह पाले भाजपा विधायकों एवं धर्मशाला विधानसभा से उपचुनाव में टिकट के तलबगारों ने भी जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के वार्षिक समारोह कॉन्सेक्स 2019 के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी। सीएम ने कहा कि ये चुनाव पूरे देश के साथ साथ प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक रहे हैं और इन चुनावों में पार्टी ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी लोकसभा सीटों को 3 लाख से अधिक मतों से जीता है तथा सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने लीड प्राप्त की है और देश में हिमाचल से भाजपा को 70% वोट शेयर प्राप्त हुआ है। लोकसभा चुनावों के दौरान अधिक लीड दिलवाने वाले विधायकों को मंत्री पद में प्राथमिकता के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनावों में विधायकों में अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और आज दिन तक जिन क्षेत्रों में पार्टी को बढ़त नहीं मिलती थी उन क्षेत्रों में भी बढ़त प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इनाम का माध्यम केवल मंत्री पद नहीं है बल्कि विकास की दृष्टि से उनके क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते हैं ये भी अहम है। सीएम ने कहा कि मंत्री पद का निर्णय समय आने पर लिया जाएगा। ये चुनाव जो है वो बहुत ऐतिहासिक चुनाव रहा पूरे देश भर के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक रहा है और मैं ये मानता हूँ कि इस चुनाव में जो रिकॉर्ड आज से पहले जो स्थापित थे वो तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। 68 विधानसभा क्षेत्र में सब जगह जीत भाजपा की और पूरे देश भर में वोट शेयर जो है 70% के लगभग जो है नंबर एक पर हिमाचल का और चारों सीटों पर जीत का अंतर जो है वो 3 लाख से ऊपर का और ये मैं कह सकता हूँ कि ये जीत का श्री मोदी जी को जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से उन्होंने काम किया और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को जाता है और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जो बहुत ज़बरदस्त जनादेश उन्होंने जो है वो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया। वहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ये सहयोग दिया है और बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। 15 महीने के कार्यकाल में उन्हें बेहतरीन काम करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश ने की है और उसका स्वाभाविक रूप से चुनाव में जो है वो परिणाम हमको देखने को मिला है और मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव का रिकॉर्ड आने वाले कई वर्षों तक बहुत कठिन होगा किसी दल को भी इसको तोड़ना। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को लेकर सीएम ने कहा कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 1 साल के भीतर इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अगर कहीं किसी प्रदेश में वो हिमाचल प्रदेश में और मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ों का आपको जो है ना पूछने की जरूरत रहेगी ना ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम जो सारी चीज़ों को जितनी भी औपचारिकता रहती है
ड्रीम को पूरा करने की परिस्थिति होगी। सर, पर्यटन सीजन चल रहा है और मैकलोडगंज में इस वक्त पर्यटन जो बहुत तादाद में आ रहे हैं, लेकिन जो मैकलोडगंज में एक पार्किंग थी, जो बस स्टैंड था, वो बंद कर दिया गया है, जिसमें अब पुलिस को भी काफी समस्या हो रही है, क्योंकि पार्किंग के लिए जो वाहन नहीं लग पा रहे हैं और पुलिस को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो उसके लिए कब तक जो है इसको मैं लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से टेकअप करूंगा। और सर, हिमकेयर कार्ड जो है वो जो है उसमें लोगों को प्रॉपर जो सुविधा नहीं मिल पा रही, काफी शिकायतें आ रही हैं कि जो टेस्ट हैं वो बाहर हो रहे हैं। देखिए, नई योजना है, स्वाभाविक रूप से इसको जमीन पर उतारने के लिए कठिनाइयों के दौर में से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक ऐसा प्रदेश छोटा होने के बावजूद भी, साधन सीमित होने के बावजूद भी, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बड़ा हेल्थ कवर अगर किसी प्रदेश ने दिया प्रदेश के नागरिकों को, वो हिमाचल है, जिसने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के अतिरिक्त जो है अपने साधनों से जो है अपनी व्यवस्था से हिम केयर के माध्यम से देने का। स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में आए हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे। देखिए, मैं जहाँ मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज है, ये बहुत तेजी से पूरे देश भर में अपना नाम ऊंचा करता जा रहा है, और यहाँ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए समय पर जो चीजें करने की आवश्यकता होती है वो कर रहे हैं। आज भी कुछ इश्यूज को लेकर वो बात कर रहे हैं। अनिल शर्मा अब यहाँ है, पता करेंगे उनके खाने के। सर,